बॉलीवुड फिल्म स्टार ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेदा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की इस फिल्म में अब एक और दमदार एक्टर्स की एंट्री हो चुकी है। सामने आ रही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में दानिश अख्तर एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। इस बारे में खुद एक्टर ने ही कन्फर्म किया। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं कि दानिश अख्तर टीवी के एक बहुत बड़े एक्टर हैं। वो 6 बार हनुमान के कैरेक्टर में लोगों का दिल जीत चुके हैं। अब वो बॉलीवुड की ओर रुक कर रहे हैं और इस बात से दानिश अख्तर के फैंस के बीच काफी खलबली मची हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो दानिश अख्तर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो पहली बार सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने वाले हैं, जिसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड है। फिल्म में दानिश अख्तर एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे। उन्होंने बताया कि वो फिल्म में एक गैंग के लीडर का किरदार प्ले करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसे लोग जो बिहार से मुंबई तक का सफर एक्टर बनने के लिए तय करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म स्टार दानिश अख्तर ने बताया कि इस फिल्म को ओरिजिनल तमिल फिल्म के ही डायरेक्टर गायत्री पुष्कर डायरेक्ट करेंगे। दिलचस्प बात यही है कि हिंदी के रीमेक होने वाले इस फिल्म का नाम भी विक्रम वेदा ही रखा जाएगा। वेल दोस्तों, देखा जाए तो फिल्म के लिए सभी काफी एक्साइटेड है और ऋतिक रोशन को एक अलग गैंगस्टर लुक में देखना काफी मजेदार होगा। वेल, आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।